मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे का रिकॉर्ड कार्ड पेश किया। न्यूज नेशन रेलवे के हालात पर केंद्रीय मंत्री से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि रेलवे की हालत में सुधार जारी है और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। सर, मेरा सवाल जो आम जनता को कवर करते हुए हमारा अपना अनुभव है, खासतौर पर रेलवे में, उससे जुड़ा हुआ है। 4 साल के इस दौर में आज जहां हम खड़े हैं, जनता जो सफ़र करती है 2.5 करोड़, जिसका जिक्र आपने किया, उसके मन में ही सवाल है कि रेलवे की स्पीड कम होती चली गई, डिले 8 से 18 घंटे तक एवरेज चल रहा है। नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें, आपने फेयर नहीं बढ़ाया, लेकिन डायनेमिक फेयर के जरिए जितनी ट्रेनें आ रही हैं वो खासतौर पर उसमें शामिल हैं, और उसके ज़रिए कहीं ना कहीं वो पंच भी आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। तो अब चूंकि सरकार इलेक्शन मोड में आ गई है, अगले साल आप जनता के बीच में जाएंगे, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, तो जनता को आप कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि 5 साल में रेलवे ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रेनों की गति बढ़ गई? मैं समझता हूँ कि भारत की जनता पूरी तरीके से समझती है कि किस प्रकार से ये जो बदलाव लाने का काम इस सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने, इससे कैसे रेल सुरक्षित हुई है, कैसे रेलवे ने अपने पूरे व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया है, और कैसे फ्यूचर रेडी बन रही है भारतीय रेल। हम सब ने देखा है कि किस प्रकार की विरासत 4 साल पहले मिली थी, कितना निवेश होता था, किस गति से प्रोजेक्ट्स लगते थे, नई ट्रेनें कितनी निकलती थी, नहीं निकलती थी, अनाउंस होती थी, उसके बाद काम की गति कैसे होती थी, सुरक्षा के क्षेत्र में भय का वातावरण था, एक्सीडेंट्स अधिक थे। इस सब की बदलाव की एक क्रम होती है, उसका एक पूरा योजना होता है, और उसमें इतना बड़ा निवेश करके जो बदलाव लाया जा रहा है, उसमें जो शॉर्ट टर्म पेन भी अगर कुछ रहा है, तो मैं समझता हूँ जनता ने उसको सराहना है। जहाँ तक सरकार के चुनाव का सवाल है, हमने कभी भी, और ये बात मैंने कई बार मेरे प्रेस के मित्रों को कहा है, हमने कभी भी चुनाव के दृष्टि से निर्णय नहीं लिए, हमने जनहित और देशहित को सर्वोपरि रखा है।